नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड। तो आज मैंने देखा एक और रीमेक, सॉरी रीमेक निकल रहा है मेरे मुंह से, पर हाँ निकलेगा क्यों नहीं, जब रीमेक है तो रीमेक ही निकलेगा ना यार। मैंने देखा जर्सी का ट्रेलर जिसमें कि शाहिद कपूर नजर आए, शाहिद कपूर के साथ में मृणाल ठाकुर भी नजर आए। अब भैया जर्सी एक ऐसी मूवी है जो कि पहले से यूट्यूब पर अवेलेबल है, मतलब साउथ की एक मूवी है जिसका कि रीमेक बनाया जा रहा है। अब वो इसी चीज़ को देखकर तो मेरे मुंह से रीमेक निकल रहा है, पर अपनी फिल्म इंडस्ट्री मतलब बॉलीवुड ने एक फंडा अपना लिया। कैसा फंडा? बॉलीवुड में एक फंडा चल रहा है कि एक मूवी अगर हिट हो गई किसी तरीके की तो उस तरह से चलने दो, मतलब गाड़ी चल रही है चलने दो। अब क्या होता है कि एक मूवी आती है अर्जुन रेड्डी साउथ, काफ़ी ज़्यादा अच्छी मूवी थी पर साउथ की थी, तेलुगु में थी, तो उसे हिंदी में रिमेक बनाएगा कबीर सिंह। बहुत अच्छी चली, कबीर सिंह को रिपीट कर करके देखा लोगों ने, मैंने भी 2-3 बार देखा था। अब उसी चीज़ को यहाँ पर आगे बढ़ाया जा रहा है। कल ट्रेलर आया जर्सी का, अब जर्सी का मैंने जैसे ही ट्रेलर देखा तो मेरे को ये लगा कि यार ये चीज़ तो मैंने हूबहू पहले देखी है, मतलब देखिए। अब मैंने फिर जाके वापस यूट्यूब खोला और सर्च किया जर्सी ट्रेलर, तो पहले की मूवी का ट्रेलर देखा तो भाई साहब क्या ही बताऊँ मैं, मतलब सीन भी वैसे के वैसे, शॉट भी वैसे के वैसे, यार होना कैसे नहीं होगा, ऐसे एकदम सेम टू सेम बना दिया तो होगा कैसे नहीं, क्योंकि डायरेक्टर साहब तो एक ही है हमारे। यहाँ पर मृणाल ठाकुर को एक्टर को चेंज कर दिया, एक्ट्रेस को चेंज कर दिया, यहाँ तक कि बच्चे को भी वही रख लिया गया भैया जो ओरिजिनल जर्सी मूवी में थी। तो जर्सी मूवी अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो यूट्यूब पर दहे एकदम फ्री में, और बहुत अच्छी क्वालिटी हिंदी डब्ड के साथ है, जाकर देखिए, काफ़ी अच्छी मूवी है जिसमें कि नानी है, और नानी जिस तरह की एक्टिंग करते हैं भैया क्या है बोले, मतलब शाहिद कपूर और नानी का हम कंपेरिजन तो नहीं कर सकते, पर बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, जिस तरह के उनके इमोशनल सीन वगैरह होते हैं कहीं ना कहीं आपको भी इमोशनल कर ही देंगे। अब अगर हम बात करें शाहिद कपूर की जर्सी की, तो कहानी की स्टार्टिंग कुछ ऐसे होती है कि भाई एक बंदा होता है क्रिकेट में काफ़ी अच्छा बैट्समैन होता है, क्रिकेट में अपनी फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना चाहता है, यहाँ पर एंट्री हो जाती है उनकी ज़िंदगी में प्यार, प्यार की एंट्री होती है, सिंगल से डबल होते हैं भाई साहब, तो एक चीज़ पे से तो ध्यान हट ही जाता है यार। देखो दो चीज़ एक साथ नहीं चल सकती लाइफ में, अब भाई साहब का ध्यान पूर्णता यहाँ मतलब पूरी तरह यहाँ पर प्यार पर आ गया, क्रिकेट से हट गया ध्यान, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कहानी बढ़िया फ्लो में जा रही है। फिर उसके बाद हो जाते हैं डबल से ट्रिपल, मतलब इनके घर में आ जाता है एक बच्चा, प्रॉब्लम होती है स्टार्ट। अब जैसे कि हमने पहले भी देखा है यहाँ भी वही चीज़ होती है, जो काम मैं नहीं कर पाया मेरा बच्चा ज़रूर करेगा, जो कमी मुझे रही वो मेरे बच्चे को नहीं रहेगी, वही चीज़ के लिए जिद पकड़ कर बैठ जाते हैं यहाँ पर शाहिद कपूर, मैं क्रिकेटर नहीं बन पाया पर मेरा बच्चा अच्छा क्रिकेटर बनेगा, मेरा बेटा अच्छा क्रिकेटर अच्छा बैट्समैन बनेगा, पर कमाने के नाम पर जीरो है भाई साहब, यहाँ पर पैसे है नहीं, अपनी वाइफ से पैसे मांगते हैं जो कि मृणाल ठाकुर है। अब भैया मृणाल ठाकुर की अगर बात निकली है तो उनको मैंने पहले भी देखा धमाका मूवी जिसमें कि उनको शादी के बाद प्रॉब्लम है, उसके पहले भी एक दो मूवीज़ जिनके कि मेरे को नाम ध्यान नहीं है जिनमें कि उनकी शादी में प्रॉब्लम होती है, यार भैया इनको पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है, इनको हर चीज़ में सिर्फ प्रॉब्लम ही ढूंढना रहती है, तो यहाँ पर भी इनको प्रॉब्लम रहती है मुझे नहीं देना पैसे, शाहिद कपूर बोलते एक डायलॉग है कि भाई तुम्हारे अकाउंट में पैसे हैं मुझे 500 रुपये चाहिए, देख लिए ना मुझे नहीं देना, सीधी बात है। अब इनके अलग ही लेवल की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब यहाँ पर एंट्री होती है शाहिद कपूर के पिताजी की, जो कि इनके टाइम पे जब ये क्रिकेटर थे उस टाइम पर कोच थे, वो बोलते हैं कि भैया आप भी अब कोच बन जाओ, शाहिद कपूर बोलते हैं नहीं, वो वही चीज़ हनुमान जी को जैसे रामायण में शक्ति याद दिलाई जाती है ना, वैसे यहाँ पर उनके पिताजी आकर शाहिद कपूर उनकी शक्ति याद दिलाते, अरे तुम इंडिया के सबसे अच्छे बैट्समैन थे, मैंने मेरे करियर में तुम्हारे जैसा बैट्समैन नहीं देखा था, तुम्हारी जगह तो इंडियन क्रिकेट टीम में थी। ये सब चीज़ें याद आने के बाद कहने के बाद शाहिद कपूर को भी लगता है चलो यार कहीं ना कहीं वही चीज़ें वापस स्टार्ट की जाती। तो बेसिकली कहानी यहाँ पर यह है कि शाहिद कपूर जो काम नहीं कर पाते वो काम अपने बेटे पे करवाना चाहते हैं और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाना चाहते हैं। कहानी एक मिडिल क्लास फैमिली की है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए, देखने के बाद मुझे बताइए कि आपको क्या फील हुआ, क्या वही चीज़ फील हुई जो डायलॉग सनी देओल ने बोला था, जज साहब तारीख पे तारीख मिलती रही पर इंसाफ नहीं मिला, वैसे ही यहाँ पर बॉलीवुड में रिमेक मिल रही है पर ओरिजिनल देखने को कुछ नहीं मिल रहा है। दोस्तों मेरे वीडियो में फिलहाल इतना ही, आपको जो भी है कहना कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बाकी इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।